हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए हमारा काम शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले तो मैं आपको टाइल्स दिखा देती हूँ कि अब हम कौन सी, ये देखिए टाइल इस तरीके से लग रही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये वाली टाइल आपको कैसी लग रही है दीवार पे। जो पहले वाली तो ये वाली टाइल थी, ये देखिए ये ग्रे वाली जो मैंने हटवा दी और रिटर्न कर दी थी, वापिस करके आए थे और ये वाली टाइल लाए थे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये वाली टाइल देखिए, क्योंकि देखिए घर की थीम के साथ भी जच रही है। ये देखिए आप, घर का थीम है थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा, तो उसके साथ ये देखिए ये भी ब्राउनिश में आ रही है टाइल। तो ये वाला मैंने कॉम्बिनेशन कैसे बनाया है, देखिए ब्राउन फिर सफ़ेद फिर एक ब्राउन लगेगा और उसके ऊपर सफ़ेद, इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ तक का बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से भरी जा रही है। कल ये सारा ग्राइंडिंग से सारा ही साफ हो गया था, तो यहाँ पे काम हो रहा है। पापा जी देखिए आज कुर्ता पजामा पहन लिया पापा जी ने। ये देखिए इस तरीके से टाइल लगी रही है। बताइएगा जरूर कमेंट करके कि ये वाला कॉम्बिनेशन, ये देखिए ना घर में एंट्री होते ही कैसा लगेगा। अभी ये सफाई नहीं करी है, देखिए यहाँ पे भी ब्राउनिश टाइल हो जाएंगी। ये लुक देखिए घर की कैसी लगेगी, फिर ये मैं दूर से दिखा रही हूँ, अच्छी लगेगी ना। तो चलिए अभी मैं विहान को संभाल लेती हूँ, पापा जी यहाँ बैठे हैं और अभी तो स्टार्ट ही किया है काम। ये देखिए टाइल भी भिगो रखी है यहाँ पे, हम निकलते हैं। ये देखिए पापा जी यहाँ आ गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। 11:20 हो चुके हैं टाइम, और अभी हमने साफ़ सफाई कुछ नहीं करी है। इवन मैंने देखो अभी तक बिस्तरा भी नहीं बनाया है सुबह, क्योंकि आज मैं बाकी दूसरे कामों में बिज़ी हो गई थी। और विहान क्या कर रहा है हम देखते हैं विहान को। विहान की प्लेट में है यहाँ पे लहसुन और चूड़ियाँ, इनके साथ ही अपना खेल में लगा हुआ है। ये देखिए ये सारा विहान ने यहाँ खिंडा दिया है, यहाँ इसमें भी लहसुन है, यहाँ भी लहसुन है, सारा इसने कर दिया है करीबन करीबन। और यहाँ पे खाने में क्या बनेगा आज हम चेक करते हैं। वैसे दाल ही होगी कुछ ना कुछ, हमारे सुबह ना दाल तो हम ऐसे है चढ़ा ही देते हैं। हमारी है मूंग की दाल, हमारे मूंग की दाल मतलब दालें ख़त्म करनी है भाई अभी हमें, फ़िलहाल यही हमारा टारगेट है। तो इसमें छोंक मैं लगाऊंगी, मम्मी को मैंने कहा है सिंपल लगाऊंगी जीरे और घी का बढ़िया सा छोंक। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, इसमें हमने अभी तक घी नहीं ऐड किया है, तो हम चम्मच से मेज़र करके घी ऐड करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मेरे को जो घी है वो छोंक में कम और ऊपर से जो ऐड करते हैं ना वो ज़्यादा पसंद आता है। फिर भी कुछ तो ऐड करेंगे हम। ये देखिए मैंने इस तरीके से छोटा टेबल स्पून की घी का ऐड किया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने जो लहसुन है ये मैंने काट दिया है, साफ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लिया ये हींग, नमक है, इसके अलावा ये हल्दी है। बस मसालों में मैं बस नमक और हल्दी ही ऐड करूँगी, थोड़ी थोड़ी सी मिर्च मैं ऐड करती नहीं हूँ। और दाल सिंपल ही अच्छी लगती है, तो दाल में मैं ये धनिया पाउडर, ये किचन किंग कस्तूरी मेथी वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल सी बनाऊँगी मैं छोंक लगाऊँगी। तो ये तेल हमारा लगभग लगभग गर्म हो रहा है, तो हम इसमें अब थोड़ा सा जीरा ऐड करते हैं। दाल में मैंने छोंक लगा दी है, ये देखिए इस तरीके से सिंपल सा ही छोंक लगाया है। देखिए जीरा दिख रहा है इसमें हल्का हल्का सा, बस इसमें एक दो उबाल आने के बाद गैस बंद मैं कर देती हूँ। ये देखो जी इसने क्या पहना है, मम्मी की चप्पल पहन ली, नई चप्पल है एकदम, मम्मी ने निकाली है। मम्मा बोल रहे वो उनको सूट नहीं करती पहले वाली, ये रिलैक्सो की दूसरी है। अरे मम्मा ने चप्पल पहन ली, अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो मैं क्या कर रही थी, अभी दाल खा रही थी, देखो मैंने फिनिश भी कर दी लगभग लगभग। एक्चुअली मैं ये दाल खा रही हूँ और रिहान दाल खाता नहीं, रुकी चावल के साथ ही खाएगा, तो चावल चढ़ा रखे हैं अभी। तो यहाँ मम्मा देखिए थोड़ी सी दाल ली है प्लेट में और रोटी के साथ खाने लग रहे हैं। सही है मम्मा दाल खा लिया करो थोड़ा बहुत घी। इतने करीबन एक घंटा हो गया है यहाँ पे अभी मम्मी हैं, तो एक बार मैं जाके देख कर आती हूँ कितना काम हुआ है। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे 9 बजे से लेके जैसे 9:30 बजे से काम शुरू होता है, 5 बजे तक का टाइमिंग होता है वैसे, तो जैसे 9 से 5 टाइमिंग है, तो मेरी ना जैसे दिन की 2 वीडियो जाती हैं, तो मेरे से जितना मैक्सिमम हो जाता है ना मैं कवर कर लेती हूँ काम, दिखा देती हूँ आपको वीडियो में कि कितना हुआ है ना। तो अभी जैसे इस वीडियो में जितना हो पाएगा मैं दिखा दूंगी, नहीं तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में दिखा दूंगी। पापा जी आपको पता ही है यहाँ पर बैठे होते हैं,
और हम जाके देख के आते हैं। तो ये मलबा ना काम आएगा, आप ये सोच रहे थे ना इसको फेंक दो, मलबा ना जैसे आगे क्या थोड़ा सा करेंगे ना जब टाइल लगाएंगे उसके नीचे जुड़ लग जाएगा सारा। तो मेरे पापा जी की ना तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी देखो यहाँ पे बैठे हैं। आज पापा जी के लूज मोशन लगे हुए थे। अरे बाप रे वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम से नज़र पड़ी मेरी, बहुत अच्छा, हाँ बढ़िया लग रही है ना पापा जी। बच गए वो टाइल, आपने सही वापस करवा दी कह के ना, ग्रे वाली एकदम अच्छी शो बन रही है इसकी तो। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पसंद आया ये वाला तो, स्टाइल अच्छा लग रहा है। और यही सही है यही वाला कॉम्बिनेशन ना, क्योंकि कल को ऊपर हम दो अलग तरीके का पेंट भी करवा सकते हैं, क्रीम वाला ब्राउन भी। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा दूर से लुक दिखाती हूँ, मिस्त्री भैया ने इस तरीके से देखिए टाइल लगाई है। सॉरी सॉरी ये गिर गया, क्या था ये, अच्छा ये कहाँ से है? अच्छा नहीं थी। ये देखो अब आपको मैं यहाँ से थोड़ा लुक दिखा रही हूँ, देखिए ये देखिए हमारा कमरे की लुक इस तरीके से आ रही है। ये भैया की मिस्त्री भैया ने ही पसंद करवाई थी थोड़ी सी उनकी, इनको थोड़ा सा ना, मैं ये कह रही थी कि जैसे मिस्त्री भैया और को तो नॉलेज होती है टाइल्स आजकल कोई फैशन भी चल रही है, तो यहाँ भी देखिए मिट्टी, देखिए देखो कितनी मिट्टी है, तभी ये थोड़ी सी ऐसी दिख रही है देखो ना, अब क्लीन हुई है, अभी धूल मिट्टी की वजह से ही ऐसी दिख रही है, साफ हो जाएगी ना। तो ये देखिए ये भी अच्छी लगेगी यहाँ पे, बैकग्राउंड कितना जच रहा है ना। तो ये यहाँ का है, मैंने आपको दिखाया, अब मैं घर जाऊंगी, मैं कहा मैं आपको आपके लिए आई स्पेशल, मैं दिखा देती हूँ आपको। कई बार मेरे पापा जी से भी पता है मेरे को डांट पड़ती है, बोलते हैं कि ना जब याद है यहाँ का टाइल का काम खराब हुआ, बोलते इतनी बार आती थी वीडियो देख बनाती थी चली जाती थी, दिखा देती थी कि इतना हो गया काम, इतना एक बार थोड़ा ढंग से नजर नहीं डाल सकती थी, ऐसे ही हो जाता है। बट कोई बात नहीं, अभी देखना जब फ्लोर का काम होने होएगा ना यहाँ का, तो फ्लोर का भी अच्छा काम हो जाएगा यहाँ पे बढ़िया वाला, देखना इसके काम। डाल के खा लेना पापा, लेने में बिस्कुट वगैरह फिर बनाऊं चाय फिर रख पिछले चले इधर किचन में नहीं पड़ी। ये लो पापा जी आपका खाना, खा लो। चप्पल बाहर निकाल दे, मैंने रखी थी इसकी दालों में ये रही, ठंडी करी थी मैंने। लो पापा जी, मम्मी ने चप्पल निकाल रही बाहर, मम्मी बोल रहे वीडियो में लोग बोलेंगे चप्पल रखी हुई है वही खाना खा रहे हैं पापा जी। लो पापा जी ये वाली दाल खिला दो विहान को, ये लो ये विहान की है मम्मा, ये लो
ठंडी कर रखी है जी। आपने देख ही लिया विहान क्या करता है। विहान की यही हरकत होती है कि ना मतलब खुद एक टाइम पे खाना नहीं खाता। जैसे मैं खाना खाने बैठूंगी मुझसे चार चम्मच खा लेगा, पापा जी से चार चम्मच खा लेगा, और उसके बाद जब हम स्पेशल जाएंगे विहान के पास खिलाने के लिए तब तक ये खाना खाएगा नहीं, इसका पेट भर चुका होगा। तो ठीक है जी, अभी इस वीडियो को हम यही एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों भी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।